नमस्कार, स्वागत है आपका। ये है बीबीसी दुनिया और मैं हूं नेहा भटनागर। कभी तालिबान के कब्जे वाले इलाके तक सीमित थी अफीम की खेती, अब सरकारी नियंत्रण वाले अफगान जिलों में भी लहला रहे हैं अफीम के खेत। तुर्की से प्रवासियों के आने में कमी, मगर अब लीबिया के खतरनाक रास्ते से यूरोप आने की कोशिश कर रहे हैं प्रवासी। कच्चे तेल के दामों में आया उछाल, इस साल पहली बार पहुंचे $50 के पार। बिना बुद्धि के नहीं सजाए गए होंगे ये पत्थर, हमारी ही तरह सोच समझ पाते होंगे इंसानों से मिलते जुलते नियांडरथल। और सिर्फ शौक के लिए ही नहीं, निवेश के इरादे से भी खरीद रहे हैं लोग पुरानी क्लासिक गाड़ियां। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। तालिबान के शासन में अफीम का उत्पादन लंबे समय से अफगानिस्तान के लिए बड़ी समस्या रहा है। इससे होने वाली कमाई ने तालिबान लड़ाकों को हथियार मुहैया करवाए, लेकिन अब इसकी खेती सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में धड़ल्ले से हो रही है। कुछ किसानों का तो कहना है कि अब सरकार उन्हें रोकने की कोई खास कोशिश भी नहीं करती। हेलमंड में अफीम की खेती खानदानी काम है। इन्हीं खेतों की वजह से अफगानिस्तान दुनिया भर में अफीम का गढ़ बना हुआ है। इसकी खेती तो तालिबान के जमाने में शुरू हुई थी, लेकिन अब लोग कहते हैं कि देश में किसका राज है इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार कोई भी हो, वो तो सिर्फ अपनी जेब भरते हैं। यहाँ जिसका राज, हम उसी को पैसे देते रहते हैं। काबुल में अधिकारियों का कहना है कि वो अफीम के खिलाफ लड़ाई जीत रहे हैं, लेकिन इस दफ्तर की दीवार पर लगे नक्शे इसकी गवाही नहीं देते। सरकार के नियंत्रण वाले इलाके में किसान अपनी मर्जी से अफीम नहीं उगा रहे हैं, इसकी वजह तो गरीबी है। इस अफीम से छुटकारा पाने के लिए अरबों डॉलर और सैकड़ों सैनिकों ने जान गंवाई है, लेकिन इस साल फिर से अफगानिस्तान में रिकॉर्ड फसल होने की संभावना है। हमने ये खेती इसलिए शुरू की क्योंकि हमारा गुजारा मुश्किल से होता था। पहले सरकार काफी सख्ती करती थी, लेकिन अब सब ठीक है। सरकार को अफीम की खेती से कोई परहेज नहीं है, इसका सबूत ये व्यक्ति है। ये यहाँ के एक पुलिस अधिकारी हैं। सच्चाई तो यही है कि अफगानिस्तान इस साल मांग से कहीं अधिक अफीम पैदा करेगा, और इसका अर्थ है दुनिया के नशे के बाजार में सस्ती हीरोइन। और अब डिजिटल दुनिया की हलचल। युगांडा की राजधानी कंपाला में 2010 में हुए बम धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को अदालत ने आतंकवाद का दोषी पाया है। सोमालिया के चरमपंथी संगठन अलशबाब ने फुटबॉल विश्व कप दिखाए जाने के दौरान हुए इन धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। माना जा रहा है कि पहली बार यहां अलशबाब से जुड़े किसी आरोपी को दोषी पाया गया है। फ्रांस में यूनियनों की हड़ताल के चलते कई सेवाएं ठप हैं। लेबर कानूनों में किए जा रहे सुधारों का विरोध कर रहे कर्मचारी तेल रिफाइनरी, हाईवे और पुलों पर धरना दे रहे हैं, लेकिन फ्रांस के प्रधानमंत्री का कहना है कि इन सुधारों को वापस नहीं लिया जाएगा। अमेरिकी मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के लिए पर्याप्त डेलीगेट्स का समर्थन मिल गया है। समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस और एनबीसी न्यूज के अनुसार ट्रंप को 1,238 डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है। अरबपति बिजनेसमैन ट्रंप ने रिपब्लिकन उम्मीदवारी की रेस में अपनी पार्टी के 16 अन्य दावेदारों को हराया है। यूरोप आने की कोशिश करने वाले कई प्रवासी अब ग्रीस के रास्ते के बजाय लीबिया की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से वो दक्षिणी इटली आ सकते हैं, मगर ये रास्ता बेहद खतरनाक है। इटली की नौसेना ने पिछले दिनों कोई 6,000 प्रवासियों को डूबने से बचाया। कल भी 450 लोगों को बचाया गया। लीबिया के पास प्रवासियों से खचाखच भरी ये नाव एक तरफ झुकने लगी। लोग उस पर लटके हुए थे, लेकिन नाव डूब गई। संयोग से इतालवी नौसेना का एक जहाज पास था। उन्होंने जो भी तैरने वाली चीजें थीं नीचे फेंकनी शुरू की, ताकि समुन्द्र में उतराते सैकड़ों प्रवासी उन्हें पकड़ के जान बचा सकें। उन्होंने 430 से ज्यादा लोगों को बचाया, जिनमें कई बच्चे थे। उन्होंने 5 लाशें भी बरामद की। और उत्तरी अफ्रीका के पास समुन्द्र में ऐसा ही कुछ लगभग रोज हो रहा है। इस साल अब तक 40,000 लोगों को बचाया गया है, मगर 1,300 से ज्यादा लोग डूब गए। इटली पहुंचने की उम्मीद से ये लोग काफी खुश और उत्साहित हैं, मगर शायद सबको वहां नहीं रहने दिया जाएगा। मैसेडोनिया की सीमा से लगे ग्रीस के कस्बे इडोमेनी में जमा प्रवासियों का कैंप खाली कराया जा रहा है। ग्रीस में अभी 54,000 से ज्यादा प्रवासी फंसे हुए हैं। सीरिया से तुर्की के रास्ते ग्रीस आने वाले प्रवासियों की संख्या में काफी कमी आई है, मगर लीबिया से प्रवासियों को आने से रोकना आसान नहीं है।
कच्चे तेल के दाम इस साल पहली बार $50 प्रति बैरल से ऊपर गए हैं। साल के शुरुआत में ये दाम 13 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। उछाल की वजह और इसके असर के बारे में बीबीसी न्यूज रूम से और जानकारी ली समरा फातिमा ने। कच्चे तेल के दामों में उछाल के बारे में बात करते हैं बीबीसी के बिजनेस संवाददाता एंड्रयू वॉकर से। एंड्रयू, क्या वजह क्या है दामों में इतनी उछाल की? There have been disruptions to oil supplies. तेल की सप्लाई में रुकावट आई है। नाइजीरिया में पाइपलाइंस पर चरमपंथी हमले हुए, कनाडा में आग लगी और अमेरिका में शेल उत्पादकों ने कम दामों के चलते उत्पादन कम किया था और डिमांड भी उम्मीद से ज्यादा बढ़ी है। भारत और चीन ही नहीं, अमेरिका में भी तेल की खपत बढ़ी है और अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक्स के कम दामों की खबर से भी कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई। साल के शुरू में 28 और आज $50, तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि अब दाम बढ़ने से तेल उत्पादक देशों की दिक्कतें कुछ घटेंगी, लेकिन नाइजीरिया, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों के लिए कच्चे तेल के दामों में अभी काफी उछाल की जरूरत है ताकि वो सरकारी खर्च पूरा कर सकें। और आज बीबीसी शॉर्ट्स में देखिए क्यों 1000 नेवी छात्रों ने उतारी शर्ट, पानी में लुढ़की इमारत और स्टार वॉर्स के शौकीन हुए हैरान। ये मंजर है अमरीकी राज्य मैरीलैंड की नेवल अकेडमी का। हर साल करीब 1000 छात्र शर्ट उतारकर कैंपस के बीचों बीच हर्न डॉन खंबे पर चढ़कर उसे टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खंबा इतना चिकना है कि ऐसा कर पाना टेढ़ा काम है। दक्षिणी चीन में बाढ़ प्रभावित इलाके का ये मकान देखते देखते पूरा का पूरा पानी में उलट गया। ग्वांगशी जुआंग में हुए इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। स्टार वॉर्स फिल्मों के शौकीन बच्चों के लिए ये खास मौका था जब आयरलैंड के एक प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में अचानक चुबाका ने प्रवेश किया। चुबाका कैंटी में स्कूल के पास ही नई स्टार वॉर्स सीरीज के लिए शूटिंग कर रहा था। एक नए अध्ययन के मुताबिक इंसानों से मिलते जुलते नियांडरथल जितना माना जाता था उससे कहीं ज्यादा समझदार रहे होंगे। 30 साल पहले फ्रांस में पत्थरों से बनी 6 आकृतियां मिली थी। अब आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि वो काफी पुरानी हैं और उन्हें शायद नियांडरथल्स ने बनाया होगा, क्योंकि तब तक इंसानों के पूर्वज यूरोप नहीं पहुंचे होंगे। दक्षिण फ्रांस में इस गहरी ब्रूनिकल गुफा के अंदर सैकड़ों स्टैलेगमाइट पत्थरों से जमीन पर गोल घेरे बने हुए हैं। लगभग 30 साल पहले इनकी खोज हुई थी और तब माना जा रहा था कि ये करीब 50,000 साल पुराने हैं, लेकिन नई डेटिंग तकनीक से पता चला है कि ये और ज्यादा पुराने हैं और शायद इन्हें नियांडरथल ने बनाया होगा। ऐसा काम करने के लिए मिलकर योजना बनाई गई होगी और इसमें कई सहायकों ने मदद भी की होगी। नियांडरथल लगभग 2.5 लाख साल पहले यूरोप में रहते थे। वे इंसानों के साथ धरती पर साथ रहा करते थे, मगर 30,000 साल पहले उनका अंत हो गया। उन्हें हमेशा मोटी अकल वाला और बर्बर समझा जाता था, मगर लगता है कि वे भी इंसानों से काफी मिलते जुलते थे। विंटेज सुनते ही पहला ख्याल आता है ऐसा जो कुछ पुराना हो, कुछ खास हो, और विंटेज गाड़ियां आज भी रॉयल्टी का प्रतीक है। इन्वेस्टमेंट के पैमाने पर विंटेज चीजों की लिस्ट में गाड़ियां सबसे ऊपर हैं, लेकिन इस तरह के शौक भी जाहिर है सबके बस की बात नहीं। 1929 की रोल्स रॉयस कभी किसी महाराजा की शान थी, लेकिन अल दक्षी ने ऐसी गाड़ियों के लिए शोरूम ही बना दिया है। मेरी नज़र उन गाड़ियों पर होती है जिनकी तारीफ दुनिया भर के लोग करते हों। अक्सर गाड़ी की खूबसूरती ही मेरा दिल जीत लेती है। निवेश के नजरिए से देखें तो क्लासिक गाड़ी जितनी पुरानी हो कीमत उतनी ही ज्यादा। शोरूम में घुसने से पहले आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए। गाड़ी के पुराने मालिक से भी बात करनी चाहिए। सिर्फ सनक में आकर गाड़ी खरीदने की गलती ना करें। लेकिन हर नायाब चीज की कीमत होती है, और अगर आपका शौक ऐसी कारें हैं तो इनकी देखभाल के लिए भी आपको अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ेगी। दुनिया भर की खास खबरों के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे। तब तक के लिए बीबीसी दुनिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।